नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा अच्छे रहें। और वेलकम टू माय न्यू क्लास, आप लोगों का हमारे इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसे हम लोग नन फिट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके मैंने आपको डिफरेंट काइंड्स बताए थे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को इन्फिनिटिव बताया था, इसके बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं जीरेंट की। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि जो हमारा आने वाला स्पोकन इंग्लिश की जो प्रैक्टिस होगी ना, उसमें जीरेंट का यूज बहुत होता है। और जनरली हम लोग घर में जो बात करते हैं ना, बातचीत करना, उठना बैठना, मोस्टली हम लोग जीरेंट को यूज करते हैं। तो देखेंगे जैसे इन्फिनिट में जैसे इन्फिनिटिव का यूज होता है, सेम उसी तरीके से जीरेंट का भी होता है। बस थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। देखो समझते हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि जीरेंट है क्या और इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो जीरेंट को हम बनाएंगे हम ऐसे भी लिखे, अगर बताएं तो गलत नहीं होगा, कि वर्ब पर में हम लोग आईएनजी को ऐड कर देंगे तो ये हमारा जीरेंट बन जाएगा। जैसे लिखा वॉक प्लस आईएनजी, देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने यहां वॉक लिखा, वॉक को ऐड किया आईएनजी के साथ, यानी वॉक प्लस आईएनजी, ये क्या बना इज इक्वल टू वॉकिंग। अब ये हमें यहाँ जीरण मिल गया, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या किया, जीरण को जाना है, जीरण होता क्या है। तो जैसे कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ड जो भी लेंगे उसमें प्लस आईएनजी ऐड करेंगे तो वो वॉकिंग, ये हमारा जीरण बन के रेडी हो गया। अब हम लोगों को ये समझना है कि जीरण को हम लोग यूज कैसे करेंगे, इसका प्रयोग क्या है, किन किन कंडीशन में हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, चलिए वो समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने लिखा वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जैसे हम लोग इवनिंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए रियली बहुत लाभदायक होता है। और हम आप सब लोगों से हमने रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिसको या मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी टाइम मिले, तो चाहे 10 मिनट के लिए आप लोग वॉकिंग करने जाएं, जरूर जाया करें। वो वॉकिंग करना एक सबसे ईजी और सबसे बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज होती है। जब जैसे मैं लिखा, अभी मैं लिखा स्टॉप प्लेइंग नाउ, अब खेलना बंद करो। नेक्स्ट वन इज प्लीज स्टॉप क्राइंग नाउ, कृपया रोना बंद करो या चिल्लाना बंद करो। जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं ना, तो बच्चों से हम कहते हैं कि बस स्टॉप राइट नाउ, अब खेलना बंद करो, लेट्स गो, अब चलो चलते हैं। जैसे कभी कभी बच्चे ज्यादा शोर मचाते हैं, ज्यादा रोते हैं, किसी के लिए इंसिस्ट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो क्राइंग करते हैं, तो उसे कहते हैं प्लीज डोंट क्राई या प्लीज स्टॉप क्राइंग, ठीक है? तो इसमें इस तरीके से यूज करते हैं सेंटेंस को। इनमें देखिए ये जो आ रहा है ना, ये आपका प्लेइंग और क्राइंग, यहां आपका जीरेंट रूप में यूज हो रहा है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा जीरेंट क्या होता है, जीरेंट कैसे बनाते हैं, जीरेंट को यूज कैसे करते हैं। जैसे एक सेंटेंस और बताते हैं, अभी जैसे हमने लिखा स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, और ट्रूली ये सच भी है, स्मोकिंग करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, बहुत हार्मफुल होता है। तो हम सबको कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और स्मोकिंग से बहुत दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो हमने यहाँ लिखा धूमपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है या होता है, दोनों चीजें कैसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप स्मोकिंग जो है ना, वो जीरेंट के रूप में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब जैसे हमने जीरेंट बनाया, इस सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव के द्वारा भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। जैसे मिलेगा टू स्मोक इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, तो यहां हम लोग देखेंगे कि चाहे आप इस तरीके से लिखें, चाहे आप इस तरीके से लिखा हो, चाहे इस तरीके से लिखा हो, लेकिन इसकी हिंदी जो है ना वो सेम बनेगी। यानी आप ये चीज यहाँ ये देख सकते हैं कि जो आपका जीरो इन्फिनिटिव है ना, उसको हम दोनों को एक साइड एक जैसा लिख सकते हैं, मतलब उसकी। तो किसी से हम सब रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसे भी बोलते हैं, तो ये भी आपका यहाँ जीरो के रूप में काम कर रहा है। तो आई थिंक दैट जितना भी मैंने जीरो के बारे में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नाइस जरूर लिखिएगा, और हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और वैसे हम चाहते तो सारा एक दिन में एक बार में एक क्लास में बता देते, लेकिन मैं खुद सोच रहा हूँ कि एक वन बाई वन करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप लोग उसको अच्छे समझ सकें। जो चीज अच्छी समझ में आएगी तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगी, लाइफ टाइम काम आएगी। इसको आप जरूर सीख लेना। अभी मैंने आपको इन्फिनिटिव बताया, जीरेंट बताया,
अब इसके बाद हम आपको पर्टिफिकली बताएंगे बनवाई को इसलिए करके बताया ताकि आप लोग अच्छे समझ सके। और प्लीज प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए, ठीक है। आप लोग अच्छे समझेंगे तो लाइफ टाइम यू विल बी रिमेंबर इट। और इसको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत यूज करने का मौका मिलेगा, तो प्लीज इसको सीखते चलिए। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप नाइस कमेंट बॉक्स में नाइस जरूर लिखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा लोगों को सेंड करिए। और जितना भी हम ये चीज बता रहे हैं आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, राइट नोट करके आप बना के रखिए, आपके काम आएंगे। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमस्कार।